दोस्तों, कंगना रनौत की पहली फिल्म गैंगस्टर 2006 में रिलीज़ हुई थी। इसका बजट था 8 करोड़ और इसने कलेक्शन किया था 20 करोड़ का। ये मूवी हिट थी। इसके बाद 2006 में इनकी मूवी रिलीज़ हुई थी वो लम्हे, जिसका कि बजट था 10 करोड़ का और इसने कलेक्शन 5 करोड़ का किया था। ये मूवी फ्लॉप थी। उसके बाद साल 2007 में इनकी मूवी लाइफ इन अ मेट्रो रिलीज़ हुई थी, जिसका कि बजट 15 करोड़ था और इसने कलेक्शन किया था 45 करोड़ का। ये मूवी हिट थी। उसके बाद साल 2007 में इनकी मूवी शकलका बूम बूम रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 20 करोड़ था और इसने कलेक्शन 8 करोड़ का किया था। ये मूवी फ्लॉप थी। उसके बाद साल 2008 में इनकी मूवी फैशन रिलीज़ हुई थी, जिसका कि बजट 29 करोड़ था और इसने कलेक्शन किया था 50 करोड़ का। ये मूवी हिट थी। उसके बाद साल 2009 में इनकी मूवी रिलीज़ हुई राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज़, जिसका कि बजट 18 करोड़ था और इसने कलेक्शन किया था 38 करोड़ का। ये मूवी सेमी हिट थी। इसके बाद सन 2010 में इनकी मूवी काइट्स रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 60 करोड़ का था और इसने कलेक्शन किया था 94 करोड़ का। ये मूवी सेमी हिट थी। इसके बाद 2010 में इनकी मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 38 करोड़ था और इसने कलेक्शन किया था 85 करोड़ का। ये मूवी हिट थी। इसके बाद 2011 में इनकी मूवी तनु वेड्स मनु रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 18 करोड़ था और इसने कलेक्शन 50 करोड़ का किया था। ये मूवी हिट थी। इसके बाद 2011 में ही इनकी मूवी डबल धमाल रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट था 29 करोड़ का और इसने कलेक्शन 70 करोड़ किया था। ये मूवी सेमी हिट थी। इसके बाद 2011 में ही इनकी मूवी गेम रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 34 करोड़ था और इसने कलेक्शन 12 करोड़ का किया। ये मूवी डिज़ास्टर थी। इसके बाद 2010 में इनकी मूवी नो प्रॉब्लम रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट था 46 करोड़ और इस मूवी ने 45 करोड़ का कलेक्शन। मूवी फ्लॉप थी। इसके बाद 2011 में रास्कल्स मूवी रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट था 46 करोड़ और इसने कलेक्शन 52 करोड़ का किया था। ये मूवी फ्लॉप थी। इसके बाद 2011 में ही मिले ना मिले हम रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 13 करोड़ था और इसने कलेक्शन 97 लाख था। ये मूवी डिज़ास्टर थी। इसके बाद 2012 में इनकी मूवी तेज़ रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 52 करोड़ था, इसने कलेक्शन 26 करोड़ का किया। ये मूवी डिज़ास्टर थी। इसके बाद 2013 में इनकी मूवी शूट आउट एट वडाला रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 47 करोड़ था, इस मूवी ने कलेक्ट 91 करोड़ का किया। ये मूवी एवरेज थी। इसके बाद 2013 में क्रिश 3 रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 95 करोड़ था, जिसने कि कलेक्शन 393 करोड़ का किया। ये मूवी ब्लॉकबस्टर थी। इसके बाद 2013 में रज्जो मूवी रिलीज़ हुई, जिसका कि जो बजट था वो 12 करोड़ का था और इसने कलेक्शन 2 करोड़ का किया। ये मूवी डिज़ास्टर साबित हुई। इसके बाद 2014 में क्वीन मूवी रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट जो था वो 13 करोड़ का था और उस मूवी ने 97 करोड़ का कलेक्शन किया। ये मूवी ब्लॉकबस्टर थी। इसके बाद 2014 में रिवॉल्वर रानी रिलीज़ हुई, जिसका बजट 27 करोड़ था और इसने कलेक्शन 13 करोड़ का किया। ये मूवी डिज़ास्टर साबित हुई। इसके बाद 2014 में ही उंगली मूवी रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 39 करोड़ था, इस मूवी ने कलेक्शन 30 करोड़ का किया। ये मूवी डिज़ास्टर साबित हुई। उसके बाद 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स रिलीज़ हुई, जिसका बजट 30 करोड़ का था, इस मूवी ने कलेक्शन 255 करोड़ का किया। ये मूवी ब्लॉकबस्टर थी। इसके बाद 2015 में ही आई लव एन वाई रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 16 करोड़ का था और इसने कलेक्शन 1 करोड़ का किया। ये मूवी डिज़ास्टर साबित हुई। इसके बाद 2015 में ही मूवी कट्टी बट्टी रिलीज़ हुई, जिसका बजट 32 करोड़ का था, इस मूवी ने 42 करोड़ का कलेक्शन किया। ये मूवी फ्लॉप थी। इसके बाद 2017 में रंगून मूवी रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 80 करोड़ का था, इस मूवी ने कलेक्शन 40 करोड़ का किया। ये मूवी डिज़ास्टर थी। इसके बाद 2017 में सिमरन मूवी रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 28 करोड़ था, इस मूवी ने कलेक्शन 27 करोड़ का किया। ये मूवी फ्लॉप थी। इसके बाद 2019 में मणिकर्णिका मूवी रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 79 करोड़ था, इस मूवी ने कलेक्शन 152 करोड़ का किया। ये मूवी सेमी हिट थी। इसके बाद 2019 में जजमेंटल है क्या मूवी रिलीज़ हुई, जिसका बजट था 35 करोड़ का और इसने कलेक्शन 53 करोड़ का किया। ये मूवी एवरेज थी। इसके बाद 2020 में पंगा मूवी रिलीज़ हुई, जिसका कि बजट 37 करोड़ का था, इस मूवी ने कलेक्शन किया 41 करोड़ का। ये मूवी फ्लॉप थी।
इसके बाद 2021 में तलाईवी मूवी रिलीज़ हुई जिसका कि बजट था 100 करोड़ का और इसने कलेक्शन सिर्फ 4 करोड़ का किया। ये मूवी डिज़ास्टर थी। इसके बाद 2022 में धाकड़ मूवी रिलीज़ हुई जिसका बजट 85 करोड़ था। इस मूवी ने कलेक्शन 2.5 करोड़ का किया। ये मूवी भी डिज़ास्टर साबित हुई।